नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 11 पिस्तल, 8 देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक किन्नर भी शामिल है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गड़बड़िया पुलिया पर दबिश दी तो वहां पर हरपाल नाम का हथियार तस्कर को पकड़ने पर 4 कट्टे, 3 पिस्तल और 3 जिंदा कारतूस मिले। वहीं पुलिस ने हथियार तस्कर हरपाल से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने स्वीकार किया कि वह खुद ही हथियार बनाता है और इंदौर जिले में सप्लाई करता है। पकड़े गए आरोपी हरपाल ने पूछताछ में अन्य साथियों को हथियार सप्लाई करना बताया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 पिस्तल, 3 कट्टे और 5 कारतूस इमरान से जब्त किए और साथ ही सिमरन नाम की किन्नर से 1 पिस्तल, जफर से 1 पिस्तल पुलिस ने जब्त की है। इसी तरह से इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 11 पिस्तल, 8 देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस सहित 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। माननीय हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें हमें लगातार कामयाबी मिल रही है। उन्हीं के मार्गदर्शन दिशा निर्देश में कल हमारे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। वो सूचना से उन्होंने हम सबको अवगत कराया तो हमारी टीम ने राजेंद्र नगर गड़बड़ी पुलिया है वहाँ पर मुखबिर की सूचना के अनुसार दबिश दी तो हमको एक हरपाल नाम का आदमी मिला और जिससे 4 कट्टे, 3 पिस्टल और 3 कारतूस मिले। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक तो वो खुद ही हथियार बनाता है और पूरे रेंज में आसपास सब जिलों में वो सप्लाई करता है। तो उससे इमरान उर्फ कल्ला से 6 पिस्टल, 3 कट्टे, 5 कारतूस मिले, जफर खान से 1 पिस्टल मिली और सिमरन एक किन्नर है उससे भी 1 पिस्टल हमको बरामद हुई। इस तरह से 11 पिस्टल, 8 कट्टे, 8 कारतूस हमने जब्त किया है और अपने क्राइम ब्रांच थाने में ही इसकी लिखा पड़ी की है। किन्नर का क्या रोल है? वो भी सप्लाई में शामिल है। अच्छा, ये इंदौर का के रहने वाला है और जो हरपाल है वो धार का रहने वाला है, बाकी लोग यहीं के रहने वाले हैं। क्या बैकग्राउंड है सभी का सर? अभी पता कर रहे हैं, अभी इनका रिमांड लेंगे। क्यों खरीदे थे कुछ बताया कि क्या कीमत थी कुछ? ये जैसा ग्राहक मिलता था 7,000 से लेके 12,000, 14,000 तक सप्लाई करते थे। कट्टा 5,000, 6,000, 8,000 तो सप्लाई करते थे। इनका खरीदार कितने? अभी पता करेंगे। कहाँ से कार्रवाई की मतलब टोटल की गई है सर? ये राजेंद्र नगर गड़बड़ी पुलिया से। और भी आगे भी इनकी कोई संभावना है? लगातार हम लोग शिकलीगढ़ पकड़ रहे हैं। अभी तक इस तरह से हमने 1656 हथियार बरामद कर लिया। आपका नाम? मैं धनेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच इंदौर।